अस्सलाम वालेकुम। ऑन बिहाफ ऑफ रफी सिक्योरिटीज मोहम्मद उजैफा आप सब लोग की खिदमत में हाजिर है। केसी अंडर इंडेक्स की बात करें तो बड़ा जबरदस्त किस्म का पॉजिटिव स्टार्ट देखा इंडेक्स में। हम लोगों ने अपसाइड की तरफ जाता हुआ देखने को मिला। इंडेक्स का आज का ही हम लोगों ने 78,709 के करीब लगते हुए देखने को मिला, लेकिन वहां से जो है फिर वो हमें इंटरडे टाइम के ऊपर प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली और क्लोजिंग जो है हम लोग को काफी नीचे आज के इंटरडे टर्म्स के ऊपर देखें तो हम लोगों ने 831 पॉइंट्स गेन होते हुए देखने को मिले थे, लेकिन जब नेट बेसिस के ऊपर देखें तो 228 पॉइंट जो है वो नेट बेसिस के ऊपर हमें गेन होते हुए नजर आया। आज की क्लोजिंग हम लोगों ने 78,105 के लेवल के ऊपर देखने को मिली है। आज टॉप पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर की बात करें तो FFC जो है वो इंडेक्स को सपोर्ट करता हुआ नजर आया, 110 पॉइंट के करीब इसने ऐड किए हैं। पाक ऑयल फील्ड ने 48 पॉइंट के करीब, MCB 45 पॉइंट के करीब, सिस्टम 26 पॉइंट के करीब, मिजान बैंक 23, PTC 21.8 करते हुए नजर आए हैं। लूजर साइड के ऊपर बात करें तो लकी सीमेंट 57 पॉइंट, OGDC 32 पॉइंट, मिलर ट्रैक्टर 27 पॉइंट, BHL 15 पॉइंट और कैपको 13 पॉइंट लूज करते हुए हमें नजर आए हैं। वॉल्यूम की अगर बात करें तो वॉल्यूम जो है वो कल के मुकाबले में थोड़े से कम देखें हम लोगों ने। आज के सी अंडर इंडेक्स के अंदर हम लोगों ने 169.232 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर हम लोगों ने 183.959 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा था। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के मुकाबले में अगर वॉल्यूम को कंपेयर किया जाए तो 14.73 मिलियन वॉल्यूम हम लोगों ने कम देखे, और अगर ये परसेंटेज के अंदर देखा जाए तो 8% वॉल्यूम हम लोग को कम जनरेट होते हुए नजर आए हैं। इंडेक्स आज की कैंडल देखें तो लॉन्ग अपर वीक बनते हुए देखने को मिली है। बड़ा जबरदस्त स्टार्ट देखने को मिला था, लेकिन जो है वो प्रॉफिट टेकिंग का सामना क्यों करना पड़ा अगर उसको हम लोग देखें यहाँ पे तो इंडेक्स की जो है वो ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस है यहाँ पे, उस ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस से ही इंडेक्स ने जो है बिल्कुल एग्जैक्ट रिजेक्शन ली आज सुबह, जब स्टार्ट बड़ी जबरदस्त किस्म की एक बुलिश कैंडल बनी थी, लेकिन उसके बाद जो है वो बुल्स जो है वो अपना जो है वो मोमेंटम लूज करते हुए नजर आया और फिर हमें स्टेप बाय स्टेप जो है वो इंडेक्स डाउन आता हुआ नजर आया है। इंडेक्स जो है वो एक रेंज बाउंड एक्टिविटी के अंदर हमें स्टेप होता हुआ नजर आ रहा है। रेंज बाउंड एक्टिविटी का टॉप देखें तो आज जो हमें हाई लगते हुए देखने को मिला था 78,700 के पास, ये रेंज बाउंड एक्टिविटी का टॉप होगा। इनिशियल सपोर्ट 77,800 के पास होगी और फिर यहाँ पे 77,600 के पास यहाँ पे कुछ रेंज बाउंड एक्टिविटी का बॉटम बनता हुआ हमें नजर आ सकता है। इंडेक्स सेफ साइड के ऊपर है, बिल्कुल 77,000 से ऊपर जब तक है बिल्कुल सेफ साइड के ऊपर है। बाइंग ऑन डिप वाली स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, लास्ट वीडियो के अंदर भी आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि बाइंग ऑन डिप सेल ऑन स्ट्रेंथ वाली भी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। इंडेक्स जो है वो एक रेंज के अंदर ही हमें प्ले होता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पे, तो इंडिविजुअल आइटम जो है वो बड़े जबरदस्त किस्म के मूव दे रहे हैं। जिस तरह आप लोग देख रहे होंगे RPL बड़ी जबरदस्त किस्म के कैप लगते हुए देखने को मिल रहे हैं, बड़ा जबरदस्त किस्म का उसमें परसेंटेज वाइज गेन देखने को मिला है। इमेज जो है वो अपने टारगेट हिट कंप्लीट होता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। JHNI का एनालिसिस आप लोग के साथ मार्केट से दौरान आप लोग के साथ शेयर कर रहा होता हूँ। इसके अलावा सिटी फार्मा अपने सेकंड टारगेट हिट करता हुआ नजर आया है, ठीक है। तो ये सारी चीजें अल्हम्दुलिल्लाह अपने जो है वो आप लोग के साथ ड्यूरिंग द सेशन जो है वो शेयर कर रहा होता हूँ। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ आइटम को डिस्कस करें तो मुगल स्टील को देखते हैं। मुगल स्टील जो है वो काफ़ी ज़्यादा 90-100 के पास से जो है वो सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू ही होता हुआ अब यहाँ पे आके जो है वो थोड़ा सा रुकता हुआ नजर आ रहा है, काफ़ी ओवरसोल्ड कंडीशन के अंदर जा चुका है। आज की कैंडल भी देखें तो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बुलिश कैंडल हमें बनते हुए देखने को मिली है। आज अगर देखें तो 2.43 रुपीस ऐड करता हुआ नजर आया है यहाँ पे। ये यहाँ पे जो है इसकी एक अच्छी मेजर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है, 76 से लेके 75-74 जो है ना ये एक मेजर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। बाइंग ऑन डिप वाली स्ट्रेटेजी होगी अपसाइड के लिए। फिलहाल डेली टाइम फ्रेम के ऊपर 9 EMA से ऊपर क्लोजिंग चाहिए और एग्रेसिव बुलिश मोमेंटम जो है वो 81 से अबव क्लोजिंग हो जाती है तो फिर हमें एक अच्छा एग्रेसिव बुलिश मोमेंटम 84 तक इनिशियली बनता हुआ नजर आ सकता है। यहाँ पे देखें तो ये मेजर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया क्यों है, अगर इसको देखें तो इसके अंदर जो पीछे जो पैटर्न बना था आप लोगों के साथ अल्हम्दुलिल्लाह डिस्कस किया था, जब इसका ब्रेकआउट होने वाला था 75-76 के करीब जब इसका ब्रेकआउट हो रहा था तो यहाँ पे जो है वो हेडल पैट शोल्डर पैटर्न की फॉर्मेशन बनी थी यहाँ पे बिल्कुल। अब जो है वो इसने अपने जो ऑलमोस्ट जो है वो इसके 105 तक के टारगेट थे और ये ऑलमोस्ट 100 रुपीज़ का जो हाई लगा के वहाँ से फिर ये नीचे आ गया है, तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो ये बिल्कुल अभी जो है ना वो इसी लेवल को जो है वो रीटेस्ट कर रहा है, इसलिए इस लेवल की बड़ी सिग्निफिकेंस है।